नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज हमारे देश के हर नागरिक ने पूरे आक्रोश के साथ ये कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस घटना के 5 साल बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था और अब हम 2017 में। इस दौर में अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से नेगेटिव विचार हैं जिन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, और इनमें भी 2 नेगेटिव विचार सबसे प्रमुख हैं। आज के भारत में नफरत और अलगाववाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और हमारे देश को दोहरे मापदंड भी छोड़ने होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दोहरे मापदंडों की वजह से देश के इतिहास के एक सुनहरे हिस्से को भुला दिया गया। आज से ठीक 6 दिनों के बाद भारत के 133 करोड़ लोग आजादी की 70वीं सालगिरह मनाएंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होगा कि भारत में पहला आजाद तिरंगा 15 अगस्त 1947 से 44 महीने पहले फहरा दिया गया था। यह भारत के सुनहरे इतिहास की वो सच्चाई है जिसे या तो दबा दिया गया या फिर किसी ने इसका जिक्र करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज आपको भारत की आजादी के सबसे बड़े सच के बारे में जानकारी देना जरूरी है। इसके लिए हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से 2481 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लेकर चलेंगे। वहां पर 30 दिसंबर 1943 की निशानियां आज भी मौजूद हैं। ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट होगी जिसे देखकर देश की आंखें आज खुल जाएंगी और आपको एक नई बात पता चलेगी। जिस तरह भगवती जागरण में लोग रात भर जागते हैं, उसी तरह कल राजनीति की दुनिया में नेता रात भर जाग रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेताओं की नींद उड़ी हुई थी और वो गुजरात में हुए राज्यसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नतीजों का इंतजार कर रहे थे। कल देर रात तक राज्यसभा चुनाव को लेकर पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात ऐसी है जो सबकी नजरों से चूक गई, क्योंकि आप सबको नतीजे तो पता चल गए, लेकिन एक और बात है जो आपसे छूट गई, और वो बात यह है कि हमारे वो विधायक जो चुनाव जीतने के लिए घर घर जाकर वोट मांगते हैं, हजारों लाखों वोट पाते भी हैं, उन्हें खुद ठीक से वोट देना नहीं आता। राष्ट्रपति चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, हर बार विधायकों और सांसदों के वोट अयोग्य ठहराए जाते हैं। अब सवाल यह है कि जो जनप्रतिनिधि ठीक से अपना वोट तक नहीं डाल सकते, वो देश का निर्माण कैसे करेंगे। आमतौर पर हमारे महानगरों में हर रोज सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, लेकिन आज मुंबई में ट्रैफिक जैम नहीं बल्कि आरक्षण जैम लगा हुआ था। वहां एक रैली निकाली गई जिसमें 5 लाख लोग शामिल थे और इसकी वजह से करीब 9 घंटे तक आधी मुंबई में ट्रैफिक जैम लगा रहा और करीब 500 स्कूल बंद रहे। ये तमाम लोग मराठा स्वाभिमान के नाम पर आरक्षण की मांग कर रहे थे और यही बात अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा होते तो वो कभी भी आरक्षण नहीं मांगते। उन्होंने 17वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उस दौर में उन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सेनाओं को अपने युद्ध कौशल से हरा दिया था, और यह युद्ध कौशल आरक्षण के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता। आज इस विचार के आधार पर हम एक जरूरी विश्लेषण करेंगे। आपने इंसानों की रेस देखी होगी, कार और बाइक्स की रेस भी आपने देखी होगी, लेकिन अब तक आपने शायद कभी भी सेना के टैंक्स की रेस नहीं देखी होगी। इन दिनों रशिया में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स चल रहे हैं और वहां से हमारे पास बेहद खास तस्वीरें आई हैं, और वो तस्वीरें जो आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होंगी। आर्मी गेम्स में 19 देशों से मुकाबला करते हुए भारत के टैंक्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल इन गेम्स के अंतिम नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन जो तस्वीरें अब तक आई हैं उन्हें देखकर आपको आज जोश आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में आज विशेष बैठक हुई। इस चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने देश को करेंगे और करके रहेंगे का नारा दिया। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, ये संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। सोनिया गांधी के बयान की राज्यसभा सांसद
डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आलोचना की। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि उनका बयान हताशा दिखाता है। मुझे लगता है इस ऐसे मौके पर ये सब बातें करना, ये बहुत ही एक कुंठित विचारधारा को दर्शाता है। और मैं तो संसद में बैठे हुए सबकी बातें सुन रहा था, अफसोस हो रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस मौके पर बीजेपी 9 अगस्त से 30 अगस्त तक कई कार्यक्रम करने जा रही है। इसी के तहत पार्टी 10 अगस्त से 14 अगस्त तक देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के जिलाधिकारियों को संबोधित किया। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित इस बातचीत का विषय था न्यू इंडिया मंथन। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 अगस्त का दिन हमें संकल्प और सिद्धि की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन इच्छा शक्ति और उसे पूरे करने की आकांक्षा का प्रतीक है। जिलाधिकारियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर परिवार 2022 तक के लिए कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित करे। डोकलाम विवाद में चीन की ओर से लगातार मिल रही युद्ध की धमकियों पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में कहा कि सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। 1962 की लड़ाई में एक सबक हम लोगों ने सीखा कि देश की फौज, उसको अपने प्रकार से पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज भी दो प्रकार की चुनौतियां पड़ोसियों से देश के सामने है। जेटली ने कहा कि भारत ने 1962 के युद्ध से सबक लिया और हर चुनौती के साथ देश मजबूत होता गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के जो वीर बहादुर जवान हैं, इस देश को सुरक्षित रखने की पूरी क्षमता उनमें है। कल ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी को 1962 की नेहरू वाली गलती न दोहराने की नसीहत दी। भारत चीन के बीच डोकलाम विवाद पर आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का पहला बयान आया। दलाई लामा ने कहा कि डोकलाम विवाद इतना बड़ा नहीं है जितना उसे बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं, ऐसे में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ही इकलौता फॉर्मूला है जो दोनों देशों के विवाद सुलझा सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई। दलाई लामा ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की और कहा कि चीन के लोग भी भारत जैसा लोकतंत्र चाहते हैं, उम्मीद है उनकी इच्छा पूरी होगी। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज 3 और आतंकियों को मार गिराया। जाकिर मूसा गुट के इन आतंकियों का खात्मा पुलवामा के त्राल में हुआ। तीनों की शिनाख्त इशाक डार, जाहिद अहमद और अल्ताफ अहमद के तौर पर हुई है। तीनों कश्मीरी थे। जाकिर मूसा के संगठन अंसार गजवत उल हिंद को अलकायदा की ब्रांच माना जाता है। आज की मुठभेड़ को मिलाकर सेना दक्षिण कश्मीर में 6 दिनों में 13 आतंकियों का खात्मा कर चुकी है। पुलवामा, कुलगाम और कुपवाड़ा में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी ओर सेना ने सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ नए सबूत दिए। सेना ने 7 अगस्त को माछिल एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से बरामद हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और मेड इन पाकिस्तान दवाई सामने रखी। माछिल में सेना ने लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। यूपी के मुजफ्फरनगर से पकड़े गए बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला मामून ने कई बड़े खुलासे किए हैं। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए अब्दुल्ला ने बताया है कि वो 2011 में अवैध ढंग से त्रिपुरा बॉर्डर से भारत में घुसा था। सहारनपुर में 9,000 रुपए देकर पासपोर्ट बनवाया। इसके लिए अब्दुल्ला ने अपने मतदाता पहचान पत्र में असम का पता दिया था। असम पुलिस ने वेरिफिकेशन में साफ कर दिया था कि अब्दुल्ला ने मतदाता पहचान पत्र में जो पता बताया है वो गलत है, फिर भी उसका पासपोर्ट बन गया। अब्दुल्ला ने ये भी बताया है कि कई बांग्लादेशी हिंदुस्तान में असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से आते हैं और दलालों के जरिए फर्जी पहचान पत्र बनवाते हैं। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला के फरार हुए साथी फैजान की गिरफ्तारी से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने आईएएस की बेटी से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त को आज गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सम्मन पर विकास दोस्त के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पूछताछ के बाद दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने विकास बराला पर अपहरण की कोशिश समेत 2 और धाराएं जोड़ी हैं। दोनों एक्यूज्ड को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे। न्याय तो तब होगा जब उनको फाइनली कोर्ट में उनके लिए सेंटेंस
उनको उनको दंड दिया जाएगा, वहाँ पे न्याय होगा। वहीं सुभाष बराला ने आज फिर उन आरोपों को खारिज किया कि उनके बेटे को बचाने की कोशिश हो रही है। ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है, ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है, और मैं नहीं समझता कि इसमें पुलिस प्रशासन कहीं कोई लापरवाही बरत रहा है। मुंबई में मराठा समाज के प्रदर्शन के बाद फडणवीस सरकार उन्हें आरक्षण देने को तैयार हो गई है। मराठा प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य में मराठों को ओबीसी के तर्ज पर आरक्षण दिया जाएगा। 605 पाठ्यक्रमों में ओबीसी की तरह मराठा समाज के छात्रों को भी रियायत मिलेगी। हर जिले में मराठा समाज के छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। मराठा समाज के उत्थान के लिए हर जिले को 450 करोड़ रुपए मिलेंगे। कौशल विकास योजना से 3 लाख मराठा समाज के युवाओं को रोजगार मिलेगा। महाराष्ट्र के मराठा समाज ने आज 16% आरक्षण, कोपर्डी बलात्कार हत्याकांड में आरोपियों को फांसी और किसानों के कर्ज माफी की मांग पर मूक मार्च निकाला था, जिसके बाद मुंबई और मुंबई की ओर आने वाली कई सड़कें आंदोलनकारियों से भर गईं। आयोजकों का दावा था कि इस मार्च में 5 लाख लोग शामिल हुए थे। अल्ट्रा सिटी का इसमें अभी वो जिले वाइज जो समिति बिठाएंगे और उसके समिति के बाद वो निर्णय होगा, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शिया वक्फ बोर्ड के दावों को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने खारिज किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान ही पूरे मामले में हिस्सेदार हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद के संबंध में लीगली कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जब उनका लैंड में कोई हक ही नहीं है, अभी किसी की लीगल हक नहीं है, तो कहीं और जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अगर उन्हें किसी दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए दे दी जाती है तो वो राम जन्मभूमि से अपना दावा छोड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 2017 के आखिर में गुजरात के विधानसभा चुनाव वो पूरी तरह वीवीपैट से कराने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने कहा कि गुजरात चुनाव के लिए उसे 70,000 वीवीपैट की जरूरत है। फिलहाल आयोग के पास 53,500 वीवीपैट हैं। आयोग को ऑर्डर के मुताबिक 31 अगस्त तक 48,000 वीवीपैट और सितंबर आखिर तक 25,000 वीवीपैट मिलने हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले चुनाव वीवीपैट से ही कराए जाने संबंधी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। कल भी सुनवाई होगी।